साथियों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में और यहाँ पे पांचवें चरण का चुनाव भी हो रहा है। हमारे साथ में जो है प्रत्याशी महोदय हैं जो बसपा से प्रत्याशी हैं विधानसभा बाबागंज के, उनसे भी जानेंगे क्या माहौल चल रहा है। अभी आज वोट पड़ रहे हैं, मतदान भी पड़ रहे हैं, क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? सुबह 7 बजे से वोटिंग चालू है। हम लोग लगभग 100-125 बूथ पे दौरा कर चुके हैं, कुछ बूथों को छोड़कर। कुछ बूथ ऐसे हैं जहां प्रधान हैं, कोटेदार हैं, बीटीसी हैं, वो लोग फर्जी तरीके से रसीद बना के, जो लोग बाहर हैं, जो लोग एक्सपायर कर गए हैं, वोटर लिस्ट में नहीं आया है, तो उन लोगों के नाम पे फर्जी बना के वोट वो लोग दिलाने का काम कर रहे हैं। कहीं कहीं शिकायत आई है जहाँ से बाहरी लोगों को बुला के वोट दिलाया जा रहा है। शासन प्रशासन से शिकायत की गई है, उस पर कार्रवाई हो रही है। कुछ जगह रुक जा रहा है, कुछ जगह वो लोग कोशिश करने में कामयाब हो रहे हैं, बाकी ठीक चल रहा है। अभी हम जो है बूथ बूथ पर घूम रहे थे, उधर जो है भिटारा कुर्रई ऐसे बूथ पर, तो वहाँ भी घपलाबाजी हो रही है, कई जगह ऐसी शिकायत आई है। फिलहाल शासन प्रशासन लगा हुआ है, हम लोग भी दौड़ा कर रहे हैं। शासन प्रशासन कार्रवाई कर रही है नहीं कर रही है? शासन प्रशासन पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बाद भी कुछ जगह ऐसा है जहां शासन प्रशासन जो है कामयाब नहीं हो पा रहा है, और लोग कुछ हद तक जो फर्जी वोट है दिलाने में कामयाब हो रहे हैं। और हम लोगों का पूरा प्रयास चल रहा है, हर जगह शिकायत किया जा रहा है कि ऐसी चीज़ें रुकें, लेकिन जो है कुछ जगहों पे ऐसे है आधार कार्ड वो लोग फर्जी बनवाए हैं, रसीद भी फर्जी तरीके से पहले से बीएलओ से ले लिया गया है। हम लोग शिकायत कर रहे हैं, चुनाव आयोग को भी शिकायत कर रहे हैं। इसके पहले भी सारे बूथ जो है कैप्चर हो जाते थे, क्या उससे कम है या ज़्यादा है? नहीं नहीं वैसा नहीं है, इस समय केवल यही एक स्थिति से कैप्चर किया जा रहा है, उस तरीके से कैप्चर नहीं हो रहा है। केवल वो लोग रसीद बना के जो बाहर लोग गए हैं उनके स्थान पे वो लोग दूसरे को भेज के दिलाया जा रहा है। बाकी बहुजन समाज पार्टी का जितना वोट था पूरे तरीके साइलेंट तरीके से, सुबह से ही सबको बताया गया था, सुबह से ही वोट पड़ चुका है। बहुत अच्छी स्थिति बहुजन समाज पार्टी है। जो है बाबागंज की जनता से क्या अपील करेंगे आखिरी सवाल? बस बाबागंज की जनता, सर्व समाज की जनता का पूरे तरीके से आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, हम अपनी तरफ से उन्हें आभार प्रकट करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं। जिस तरह से अभी सुशील गौतम जी से बात हुई वो कह रहे हैं कि जो है बाबागंज में भी घपलाबाजी हो रही है कुछ बूथों पर जो है, और सर्व समाज का वोट उनको मिल रहा है, बसपा प्रत्याशी हैं। इसी तरह से देखते रहिए, हर बूथ पर हम हर पल की खबर देते रहेंगे।